दोस्तों, दिस इज संगीता फ्रॉम होममेकर्स रेजिम। पालक ये हमारे लिए बहुत अच्छी सब्जी है। इसमें बहुत विटामिन्स है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो हफ्ते में एक बार तो पालक बनना चाहिए घर पे। तो आज मैं पालक के साथ एक पालक पुलाव का रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पालक को साफ करके धोकर काट लिया है। एक बोल अगर हम राइस ले रहे हैं तो दो बोल के करीब हम पालक ले लेंगे। हाफ बोल के करीब हमने मटर ले लिया है। कुछ लहसुन के कलियां हमने बारीक काट ली है। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है। चावल को धोकर तैयार कर लिया है। आज ये पुलाव मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा घी गरम कर लिया है। आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया, 4-5 लौंग के दाने, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। खड़े मसाले से इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे जीरा। अब हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को कुछ आधे मिनट के लिए पकने दीजिए। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे प्याज। अपने स्वाद अनुसार आप इसमें ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। मसाले हो चुके हैं, अब हम इसमें मटर डालेंगे। एक स्पून धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। इसके बाद एक स्पून जीरा पाउडर। जीरा पाउडर धनिया से थोड़ा कम है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल का पानी निकाला हुआ है। मैंने यहाँ पर रेगुलर राइस यूज किया है। आप बासमती से रिप्लेस कर सकते हैं। बासमती राइस डाइजेशन के लिए हेवी होता है, इसीलिए हो सके तो डिनर के वक्त रेगुलर राइस के साथ ही बनाया जाए। इसे हमें सौते करना है जब तक इसका पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। इसे 1 मिनट और चलाते हुए इस तरह से पकाइए ताकि एक फ्राई का टेक्सचर इस पे आ जाए। चावल को हमेशा हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन पे चलाइए ताकि ये टूटे ना। अब हम पालक डाल देंगे। Thank you.
और अब साथ ही में हम नमक डाल देंगे। पालक ये सॉल्टी होता है इसलिए नमक को ध्यान से डालिए। एक बार इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन पे मिक्स करना है, नहीं तो चावल के टुकड़े हो जाएंगे। अब हमें इसे पकाना है, जिसके लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। अगर एक कप चावल है तो दो कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे, जिससे कि चावल खिला खिला हो। अगर आप ज्यादा सॉफ्ट चावल खाना पसंद करते हैं तो दो कप पानी फुल डालिए। पानी एक या डेढ़ सेंटीमीटर तक ऊपर दिखना चाहिए, न ज्यादा न कम। अब हम एक टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब कुकर को बंद करके हम इसे पकाएंगे। मेरे कुकर में सिर्फ चावल दो सीटी में बन जाता है। प्रेशर कुकर का साइज, चावल का क्वालिटी या टाइप, उस हिसाब से हमें इसे पकाना है। आप जानते हैं आपके कुकर में कितना सीटी में चावल बनता है, उतना ही में ये बन जाएगा। और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कुकर को ओपन करें। गरम गरम पालक पुलाव ये कंप्लीट मील है। इसे आप पापड़ के साथ, अचार के साथ, देसी घी ऊपर से डालकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।